जब से कनाडा भारत सरकार पे आरोप लगाया है तब से वो क्या अकेला पड़ गया है। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पे हरदीप सिंह निजर का हत्या का आरोप लगाया है तो कहा जाता है कि उस समय से कनाडा का सरकार पूरे अकेला पड़ गया है। उसी कुछ दिनों के बाद जब कनाडा के पीएम न्यूयॉर्क में स्पीच कर रहा था तो उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा था और जो भी सवाल मीडिया वाले वहां पे पूछा ना वो सभी जो है सो सवाल भारत से संबंधित पूछा गया था। वहां पे उपस्थित जितने भी संवाददाता था उसने बहुत बार पूछा कि आखिर आप भारत सरकार पे आरोप कैसे लगा दिया, आपके पास सबूत क्या है कि वो हरदीप सिंह निज्जर का जो है सो हत्या करवाया है, आपके पास कोई ठोस सबूत है जो आप भारत सरकार पे जो है सो हरदीप सिंह निज्जर के हत्या का आरोप लगा दिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पे आरोप तो लगा दिया लेकिन उसके बदले में भारत सरकार भी तुरंत अपना सख्ती से जो है सो उसको जवाब दे दिया है। और जब से भारत और कनाडा के बीच विवाद शुरू हुआ है उसी समय से इन दोनों के बीच राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों कुछ दिनों बाद अमेरिका में जस्टिन ट्रूडो ने कहा ना तो हम किसी को भड़काना चाहते हैं और न ही हम कोई समस्या खड़ी करना चाहते हैं। इसी दौरान वहां पे उपस्थित संवाददाता ने उससे सवाल पूछा कि जो आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपका सहयोगी कहां है, और उसी वक्त एक और संवाददाता ने कहा कि अब तक जिस सिचुएशन में आपको देखा जा रहा है उस सिचुएशन से लग रहा है कि अभी तक आप अकेले दिख रहे हैं। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पे आरोप लगाया है उस समय से मुझे भी लग रहा है और शायद आप भी देखते होंगे कि उस समय से जस्टिन ट्रूडो अकेले जो है सो उधर से उधर फड़फड़ा रहा है, जबकि वो एक नाटो का सदस्य है। इसके बाद भी कोई देश जो है सो खुल के समर्थन नहीं किया है अभी तक कनाडा को। से ये स्पष्ट होता है कि नाटो में जितने भी देश है ना उस सबको साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि वैसे ट्रूडो को जो है सो बिना सबूत के भारत पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा और वो अकेले दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे ये आरोप लगाया है तब से लेकर अब तक फाइव आईज में शामिल जितने भी देश हैं ना वो भी जो है सो इसके समर्थन में नहीं आया है। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर फाइव आईज क्या होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल फाइव आईज पांच देशों की खुफिया नेटवर्क का एक संगठबंधन है जिसमें कनाडा के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है और ये पांचों का पांचों देश इंग्लिश बोलने वाला है। ये फाइव आईज संगठन के जरिए इनकी खुफिया एजेंसी एक दूसरे के साथ सीक्रेट जानकारियां जो है सो शेयर करती है। हाँ, फाइव आईज में जितने भी देश शामिल है तो इस मामले पे चिंताजनक और गंभीर बताए है लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि वो देश जो है सो कनाडा को खुल के सपोर्ट किया होगा। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कनाडा को बहुत ही बड़ी निराशा उसके पड़ोसी देश अमेरिका से हुई कि कनाडा और अमेरिका बहुत ही अच्छे दोस्त है। और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन किया तो उस समय भी उसने भारत का आलोचना नहीं किया। हालांकि अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान ने इस मामले को लेकर अमेरिका और कनाडा को लेकर किसी तरह का विवाद से इनकार किया और कहा अमेरिका कनाडा के लगातार संपर्क में है और ये भी कहा कि भारत भी अगर कोई गलती करे तो भारत को भी जो है सो छूट नहीं दिया जा सकता है। तो इससे हम ये नहीं समझेंगे कि अमेरिका भारत पे हमला कर रहा है और कनाडा का समर्थन कर रहा है। दोस्तों इससे ये भी स्पष्ट होता है कि आज जिस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो कनाडा का हित जो है सो कमजोर पड़ रहा है क्योंकि अब अमेरिका भी जानता है कि अगर हम किसी भी तरह अगर भारत को नाराज करते हैं तो इससे हमको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ही होने वाला है, इसीलिए अभी तक जो है सो वो खुलेआम कनाडा का समर्थन नहीं किया है। वैसे इसके बारे में आपका क्या राय है आप मुझे नीचे अवश्य कॉमेंट करके बताना। जय हिंद।